कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का कल तमाम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की भी हुकूमत फैसले की तायद। तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। फैसला अमन अमान के पेश नजर किया गया है। शहर में दफा 144 नाफिस, जलसे जुलूस और धरने पर पाबंदी आयद। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी भी सख्त। अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स के दस्ते तैनात। अस्पतालों में हाई अलर्ट। शहर में जुज़वी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सुबह से हो गई रात, दरहम बरहम ट्रैफिक के हालात। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां मिनी जेल बन गई। शहर की हर छोटी बड़ी सड़क पर ट्रैफिक का दबाव। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। शहरी अजियत का शिकार। लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। लाहौर आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते सील। मेट्रो बस सर्विस, LTC और मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। इमामिया कॉलोनी, शहादरा, शेराकोट, ठोकर न्यास बेग, चुंगी अमर सद्दू पर गाड़ियों की लंबी कतारें। रावी पुल, दरबार, लोअर माल, केनाल रोड पर ट्रैफिक का इस्तहा। शहरी ट्रैफिक में फंस कर रह गए। अमन अमान का खदशा। शहर के कारोबारी मराकज को ताले। छोटी बड़ी मार्केटों के भी शटर डाउन। रंग महल, चौक, मोची गेट, सर्कल रोड, आबिद मार्केट और अजीम क्लॉथ मार्केट बंद। उर्दू बाजार, पेपर मार्केट, अनारकली, शाह आलम मार्केट भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर निकलने की अपील। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का रावी लिंक रोड पर अजलास। मुल्की हालात और शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कल की हड़ताल मौखर की। हड़ताल के लिए अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। गंगाराम अस्पताल के बच्चा वार्ड में आतिशबाजी का खौफनाक वाकया। नोमोलो झुलस कर जहां बाक हो गया। आग वेंटिलेटर के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल इंतजामिया, नर्स को बर वक्त आगाह किया मगर इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। लवाहिकीन का इल्जाम। अस्पताल के सामने एहतजाज। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद का नोटिस। अस्पताल आमद। पुलिस का सियासत से पाक करने के दावे खोखले निकले। हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के बाद महकमे पुलिस में भी यू टर्न। सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसरान की तैनाती। 3 रोज कबल CCPO के ओहदे पर तैनात जुल्फिकार हमीद, 15 दिसंबर तक रिलीफ। साबिका CCPO बशीर अहमद नासिर 15 दिसंबर तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। कोर्स पर होने के बावजूद मुस्तनसर फिरोज SSP ऑपरेशन तैनात। असद सरफराज AIG एडमिन और मोहम्मद अली जिया DPO साहिवाल तैनात। पुलिस के 456 कमांडोज गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए तैयार। एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में पासिंग आउट परेड। जवानों का अमली सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। फायरिंग प्रैक्टिस। आवाम की जानो माल से बढ़कर कोई चीज नहीं। सूबे को जराइम से पाक करेंगे। हालात जैसे भी हों अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस को जदीद असलहे की फ्राहमी तरजीह है। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। अहम शख्सियात को सिक्योरिटी के लिए थानों से नफरी लेने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब पुलिस ने अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए कभी दरेख नहीं किया। गरीबों की दादरसी करेंगे। IG पंजाब का तकरीब से खिताब।
सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब अली अहमद कुर्द की कैंप में जाकर अमानुल्लाह को मुबारकबाद। दो मुंतखब सदर कहते हैं हम किसी के जेर खरीद हैं ना किसी के मातहत। वकला बरादरी के दरीना मसाइल को हल करवाएंगे। हम चाहेंगे कि अदलिया और हुक्मरान आइन के मुताबिक चले। करने वाले नहीं, नैब हमें टारगेट कर रहा है। तब्दीली का भांडा फूट गया। तहरीक इंसाफ का असल चेहरा लोगों के सामने आ चुका। एस्टैब्लिशमेंट से मामला दुरुस्त होने का बयान सियाह को सबाक से हटकर पेश किया गया। सिर्फ मामला बेहतर होने का बयान दिया था। पीटीआई को सिर्फ चंदा और भीख मांगना आता है। राणा मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। शहर पर स्मोक की चादर, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर रेड जोन में दाखिल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक पहुंच गया। गार्डन टाउन का इलाका आलूदा तरीन करार। फजाई आलूदगी इंडेक्स 428 रिकॉर्ड। गाजी रोड में 471, बेडिया रोड 393 रिकॉर्ड की गए। स्विट्जरलैंड के इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमे माहौलियात एयर क्वालिटी इंडेक्स के आदादोशुमार जारी करने से गुरेजा। स्मोक में इजाफा हुआ तो सरकारी स्कूल बंद कर सकते हैं। सूबाई वजीर तालीम की वार्निंग। सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल में भी बेहतर बनाएंगे। राणा मशहूद की करप्शन सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मुरादराज की मीडिया से गुफ्तगू। गर्ल्स हाई स्कूल गुलबर्ग में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की तकरीब में शिरकत। तलबा में मास्क भी तकसीम किए। सेनेट इलेक्शन उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। सायरा अफजल तारड और डॉक्टर जरका तैमूर ने कागजात जमा करा दिए। नून लीग की जानिब से सऊद मजीद और सायरा अफजल तारड को टिकट दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन की बहन सेमी एसदी के टिकट जारी किया। पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं। 30,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब समेत बैरून ममालिक की जेलों में कैद हैं। मजदूरों के पासपोर्ट पर FIA से तस्दीक शुदा स्टिकर लगेगा। वजीर आजम के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मॉडल टाउन इमिग्रेट्स ऑफिस ने बायोमेट्रिक सेल का इफ्तिताह किया। माली खसारा का शिकार शाहीन एयरलाइन को एक और झटका। बकाया जात की अदम अदायगी पर सिविल एविएशन इंतजामिया का भी बड़ा एक्शन। शाहीन एयरलाइन के तमाम एयरपोर्ट्स पर दफातर बंद कर दिए गए। मुलाजमीन परेशान। FBR इन एक्शन। FBR ने रॉयल पाम गॉल्फ एंड कंट्री क्लब के अकाउंट्स को मंजमद कर दिया। रॉयल पाम क्लब इनकम टैक्स साल 2013 की मद में 4,50,00,000 रुपये का नादहिंदा है। मंसूरा बाजार इत्तेफाक टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। जनरल स्टोर में डाकुओं की लूटमार। दुकानदार की मुजाहमत। दुकान मालिक नौजवान ने एक डाकू को दबोच लिया, दूसरा फरार। वारदात के सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। थाना हिंजरवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। अथॉरिटी की जानिब से मुरब्बा प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग। लाहौर में दो मुरब्बा यूनिट सील। 650 किलो फफूंदी ज़दा तैयार मुरब्बा, गले सड़े फल और केमिकल तल्ख। मुरब्बा की तैयारी जहरीले इंडस्ट्रियल केमिकल डालकर नीले ड्रमों में की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी। कायदे आजम क्रिकेट ट्रॉफी का सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल मैच में पीटीवी की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को 9 रन से शिकस्त दे दी। और लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैंडबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। शहर के 6 खातीन कॉलेजेस की टीमों में कांटेदार मुकाबला। लाहौर कॉलेज और किनेट कॉलेज की टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल की।